बगावत के सुर यही नहीं थम रहे। उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार लेकर चलते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा वहां से निशाना साध रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर। उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता उत्कर्ष सिंह ने। बिहार में लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली। हमारे साथ बीजेपी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा मौजूद हैं। सर, यूपी में दो सीटों पर और बिहार में एक सीट पर करारी शिकस्त बीजेपी को, किस तरीके से देख रहे हैं, वजह क्या देख रहे हैं इसके पीछे? पहले तो मैं, मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी हार के लिए मैं वाकई बहुत उनकी हार से चिंतित हूं कि इतने बढ़िया योगी में वातावरण में और जहां की योगी जी खुद मुख्यमंत्री रहे वहां पे अपने ही घर अपने ही गढ़ में इस तरह उनको राजनैतिक शिकस्त मिली, वो वाकई बहुत ही चिंता का विषय है। मेरी संवेदना और प्रार्थना उनके साथ जरूर है इस घड़ी में। लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि भले ही कितनी भी कड़वी सच्चाई क्यों ना हो, इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना ही हमारे लिए सबसे सही होगा और इसको एक चैलेंज समझ के इसकी समीक्षा करते हुए कि ऐसा कैसे हुआ कि हिंदी बेल्ट में आते ही हम चारों खाने चित हो गए, वो भी चुनाव, बड़े चुनाव से करीब एक साल पहले, और अभी इतने बड़े बड़े काम हुए जिसके लिए फिर लोग एक बार ईवीएम पे और तरह तरह के मशीन पे लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं, जैसे कि हमारा मेघालय में हुआ, हमारी दो ही सीट थी उसके बावजूद भी हम सरकार बनाए, हम त्रिपुरा में जो हुआ, तो ये जो हुआ है उसके बाद हिंदी बेल्ट में आते के साथ इस तरह से चारों खाने चित, और जैसा मैंने शुरू में कहा योगी में वातावरण यूपी में, लोग कहते हैं मोदी में वातावरण देश में, उसके बाद इतनी बड़ी पछाड़, इतना बड़ा झटका, मैं समझता हूं एक तरफ लोकतंत्र की जीत तो है लेकिन हमारे लिए बहुत ही दुख और चिंता का विषय है। त्रिपुरा में बीजेपी की जीत के पीछे योगी को एक बड़ा फैक्टर माना गया वहां पर नाथ समुदाय को एकजुट करने में, लेकिन अपने ही घर पर जहां पर वो पिछले करीब 20 साल से खुद सांसद हैं, वहां पर इस तरीके की हार, वो भी एक साल के अंतर में जब उन्होंने लोकसभा की सीट छोड़ी और मुख्यमंत्री का पद संभाला, वजह क्या देखते हैं? आपने एक ट्वीट किया सुबह में कि ओवर कॉन्फिडेंस, तो किसका ओवर कॉन्फिडेंस, किस तरह का ओवर कॉन्फिडेंस? मैं इस सवाल का जवाब फिर दोहराता हूं और उसी योगी जी के बयान से। योगी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि अति उत्साह या ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा कारण बना। मेरा अपना मानना है ओवर कॉन्फिडेंस, एरोगेंस और शॉर्ट टेम्पर, और एरोगेंस, शॉर्ट टेम्पर, ओवर एम्बिशन, ये चाहे बड़े बड़े राजनीतिक नेता क्यों ना हो, पॉलिटिकल हो, चाहे हिटलर हो कि मुसोलिनी हो कि आपके अपने हमारे ट्रंप हो कि मित्रों हो कि जितने भी आ रहे हैं, मित्रों को आप सीधा सीधा नाम उनका क्यों नहीं लेते? नहीं, इसलिए मैं, लोग कहते हैं अब तो आजकल तो मित्रों नाम से ही हम लोग परिचित हो गए हैं उनसे, तो मित्रों हो, ये इनके भी कहा जा रहा है कि एरोगेंस नहीं, अहंकार नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर एम्बिशन नहीं, जिसका जिक्र किया हमारे योगी जी ने वहां पे, तो मैं तो यही कहूंगा कि बात उन्होंने ठीक कही है और हम अगर उसके शिकार हुए हैं तो हमें इस पे चिंता करनी चाहिए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।